आप सब लोग, दोस्तों मैं हूं रली और आप देख रहे हैं मी टेक्निकल। दोस्तों वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेट रहें। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करेंगे इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग मोड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो प्राइवेट ब्राउजिंग मोड जो है या इनकॉग्निटो मोड जो है वो हम मैंने भी यूज़ किया, आपने भी यूज़ किया। क्यों हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो हम ब्राउज कर रहे हैं, जो हम सर्च कर रहे हैं इंटरनेट से, वो कोई और ना देखे, उसकी हिस्ट्री सेव ना हो, ना कि उस ना ही उसकी कोई कुकीज वगैरह सेव हो। तो अगर हम ये सोचें कि क्या वाकई जो हम प्राइवेट ब्राउजिंग करते हैं या हम इनकॉग्निटो मोड में ब्राउजिंग करते हैं उसकी कुकीज वगैरह सेव नहीं होती, हिस्ट्री सेव नहीं होती, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर हम ये करें कहें कि हमें कोई ट्रैक नहीं कर सकता, कोई भी ये नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप उधर गौर करें तो एक लाइन लिखी होती है और वो बता रही होती है कि कौन कौन सी जो किस तरह से हमारी एक्टिविटीज पे नजर रखी जा रही है, तो कौन कौन हमारी एक्टिविटीज को कवर कर सकता है, कौन कौन हमारी एक्टिविटीज को देख सकता है और कैसे देख सकता है। ठीक है, तो हमारी एक्टिविटीज को स्कूल में, अगर हम किसी स्कूल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है वो कवर कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो भी गवर्नमेंट का अदारा इंटरनेट मैनेज कर रहे हैं, इंटरनेट की एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, वो भी हमारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सकते हैं। कैसे नज़र रख सकते हैं? ISP के ज़रिए। ISPs जो होती हैं ना, वो हम उनको बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये इस बात पर हमारे साथ आर्ग्यू करते हैं कि नहीं यार, जो हम इनकॉग्निटो मोड बनेंगे इसलिए अगर फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप कहते हैं कि हिस्ट्री सेव होती है या हम ट्रैकिंग होती है, तो फिर फ़ायदा क्या इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग मोड का? नहीं दोस्तों, हिस्ट्री सेव नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई हमें ट्रैक कर सकता है। ठीक है, ISPs के ज़रिए, तो हम उनसे सेव कैसे रह सकते हैं इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो वेबसाइट्स वगैरह खोलते हैं, जो ओपन करते हैं, जो ब्राउजिंग करते हैं, वो दो किस्म की होती हैं, HTTP और HTTPS। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? HTTP और HTTPS में फ़र्क ये है कि HTTP जो वेबसाइट है हमारे पास, आप देखें बहुत कम वेबसाइट नज़र आती हैं आपको जो HTTP होती हैं। अभी जो ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं मोस्टली सोशल मीडिया, जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं जिस तरह के फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल या इस तरह की सारी वेबसाइट जो, ये सारी HTTPS है। तो HTTPS का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा डाटा होता है ना, जो भी हम सर्च वगैरह करते हैं, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। बेसिकली जब हम डाटा सर्च करते हैं, जो हम रिक्वेस्ट देते हैं, जो या जो रिक्वेस्ट आती है वो पैकेट्स में होती है, तो पैकेट्स जो जाते हैं और जो आते हैं वो सारे इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। किसी को नहीं पता होता कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये उनको पता होता है कि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है और कहाँ जो रिस्पॉन्स जा रहा है। ठीक है, तो मैं आज आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप कोई उस तरह का दो नंबर काम कर रहे हैं और इनकॉग्निटो मोड में कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और या आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई देख नहीं सकता, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप फर्ज कर लें HTTPS बेस पे ही कोई वेबसाइट ओपन की हुई है, लेकिन फिर भी जो पैकेट लेके जाता है, जो पैकेट लेके आता है, उसको तो पता होता है ना। जो मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, जो भी हमारे पास IPs के ज़रिए जो भी पैकेट्स वगैरह डिलीवर और रिस्पांस आता है, वो सारे ट्रैक हो रहे होते हैं कि पैकेट्स कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। अब इससे बचने के लिए हमारे पास VPN है, वो नो ISP पे काम करता है। कि आप कहीं बैठे हुए हैं और आपकी जो IP है वो कुछ शो हो रही है, अब वो VPN को भी किसी अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा होता है। ये नहीं है कि सीधा कोई भी VPN ऑन किया और आप समझने लग गए कि अब आपको कोई नहीं देख सकता। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी के छोटे भाई और आपके बड़े भाई आपकी जो एक्टिविटीज़ है उन पर नज़र रखना चाहते हो, तो वो नज़र रख सकते हैं। अब इतना आसान नहीं है वैसे नज़र रखना, आप डरना आप शुरू ना कर दें, लेकिन फिर भी वो नज़र रख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। और ये वीडियो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप उस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में, तो वो छोड़ दें। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लें आपके भाई को नहीं पता, लेकिन किसी ना किसी को पता है और वो आपको ट्रैक कर सकता है, आपकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है।
और दूसरी बात आ जाती है HTTP की। HTTP में इंक्रिप्टेड फॉर्म नहीं होती, वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा होता है, यानी कि सीधा सीधा ऊपर बताया गया होता है कि कौन सा कौन सी वेबसाइट पे कौन सी वेबसाइट से आप क्या सर्च कर रहे हैं, वो सिंपल आसान होता है उनके लिए ट्रैक करना। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप ये काम करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको एक रेड बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर जाके क्लिक करें और उसके साथ एक बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि मेरी नहीं आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेट रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।